व्यवस्थित हों, शांति का दान दें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। न तु अहं कामये राज्यं न सुखं न च पुनर्भवं कामये दुःख तप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। केंद्रीय कारागार भोपाल के इस परिसर में मेरे सम्मुख बैठे हुए पुण्यात्माओं, इस कारागार के व्यवस्था प्रमुख, यहाँ के कारागार अधीक्षक, अन्य कारापाल, पूरा यहाँ का स्टाफ, बंदी रक्षकगण, यहाँ मौजूद भारतीय शिक्षण मंडल के सभी पदाधिकारीगण, जागो भारत ध्यान योग आंदोलन के भोपाल में आयोजित हो रहे शिविर के पदाधिकारीगण, मनोज प्रधान जी, मालवीय जी, जो मिसेस चौहान, आज थोड़े से समय में बहुत सी बात करनी है। प्राय ये होता है कि हम बहुत सारे समय में भी थोड़ी सी बात नहीं कर पाते। जिंदगी बीत जाती है और जो कुछ करने लायक होता है वो हो नहीं पाता है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। भोग भोगते हैं हम इस इच्छा में कि हमें आनंद मिलेगा, चाहे जीव के माध्यम से भोग रहे हैं, आँखों के माध्यम से भोग रहे हैं, कानों के माध्यम से भोग रहे हैं, छूने की चाह है उसमें भोग रहे हैं, रस लेकर के भोग रहे हैं, भोगते हैं कि शायद मिलेगा, लेकिन नहीं भोगा जाता और हमें ही ये काल भोग लेता है, हम भोगे जाते। तृष्णा है पद मिल जाए, धन मिल जाए, शोहरत मिल जाए, साम्राज्य मिल जाए, लेकिन वो तृष्णा पूरी नहीं होती। सोचा करता था भोगों से मिट जाएगी अंतर्ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन जैसे अग्नि में घी डाला। समय को हम बिताते रहते हैं, बस 3 साल तो बीत गए, 6 साल की सजा हुई थी, बस आधा समय और बचा है, बस अब तो 10 दिन और बाकी है, और उस बाकी के इंतजार में, समय बिताने की कोशिश में समय नहीं बीतता,
हम ही बीत जाते हैं। जो करने लायक है वो नहीं करते, और बहुत समय जीवन का ऐसे बीत जाता है, हम बीत जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हम थोड़े समय में बहुत कुछ करेंगे, जबकि साधारण तौर पर हमारी जिंदगी में यही होता है कि लंबी सारी जिंदगी में, बहुत लंबी जिंदगी में हम थोड़ा सा भी नहीं कर पाते। आपको बंदी कहा जाता है। मैंने आपको किस शब्द से संबोधित किया? शायद इस शब्द से पहले आपको संबोधित नहीं किया गया होगा। किस शब्द से संबोधित किया मैंने? आपने सुना था, मैंने आपको पुण्यात्माओं कहा था। क्या कहा था? पुण्यात्मा कहा था, क्योंकि आत्मा पुण्यात्मा ही होती है। अंगारा अंगारा ही होता है। कभी कभी जब वो धधकता हुआ ना हो, दहकता हुआ ना हो, और उपेक्षित पड़ा रहने की वजह से उसके ऊपर राख जमनी शुरू हो जाती है। हम ये धोखा कई बार पाल लेते हैं कि शायद राख पड़ी हुई है, लेकिन अगर नंगा पैर उस पर आ जाए तो एकदम से आप कूद पड़ते हैं, अरे ये तो आग थी। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न अरकम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़। उस पर थोड़ी देर के लिए प्रोसेस ना होने से, उपयोग ना होने से, उस पर फूंक ना मारने से उसका दहकना कम हो गया, क्योंकि राख जमनी शुरू हो गई। और हम सोच लेते हैं कि यहां अंगारा नहीं है। ऐसे ही आंखों के सामने हमारे थोड़ा सा बादल आ गया और हम लोग सोच लेते हैं कि सूरज छुप गया। कहते ना आप, सूरज छुप गया। हकीकत क्या है? सूरज छुपता है क्या? हमारी आंख ढक जाती है बादल से, सूरज नहीं छुपता। तो ऐसे ही हमारे ऊपर जो है बादल, हमारे कर्मों के बादल है, हमारी अज्ञानता के बादल हैं, जिनकी वजह से हमें लोग पापात्मा कहने लगते हैं, अपराधी कहने लगते हैं। लेकिन इन्हीं बंदी ग्रहों में महान संत योगेश्वर, दुनिया के दिग्दर्शक, महान क्रांतिकारी रहे हैं, पैदा हुए हैं और जेलों ने समाज को दिए हैं। योगेश्वर कृष्ण सब जानते होंगे कि वो कारागार की देन थे। पिछले दिनों मुझे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जाने का मौका मिला। वहां मैंने रॉबिन आइलैंड देखा, वो जेल देखी जिसमें नेल्सन मंडेला 37-38 साल बंदी रहे, जिसने जागृति का संदेश दिया। यरवदा जेल देखी जिसने गांधी जैसा महापुरुष दुनिया को दिया। फैजाबाद जेल जिसने अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे महापुरुष दिए। तो जेल में बंद होना या जेल से बाहर होना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम जेल में नहीं रहना चाहते। क्यों? इसलिए कि यहां मानव की मौलिकता, इंसान की जो सहजता है,
उसके ऊपर कोई अंकुश लग जाता। मानव जीवन वो जीवन है। मैं आज भी साधकों से चर्चा कर रहा था, ये बैठे हैं, कि जिसमें हम पशु से बदतर हो सकते हैं लेकिन हम देवताओं से ऊंचे भी उठ सकते हैं। हमारे पास चॉइस है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, मौका है। कोई पशु पशु ही रहेगा, वो पशु से बेहतर नहीं हो सकता और वो पशु से बदतर भी नहीं हो सकता। उसके पास अवसर नहीं है क्योंकि उसके पास मन नहीं है। हमारे पास मन है तो हम पशु से बदतर भी हो सकते हैं और देवताओं से बेहतर भी हो सकते हैं। इसलिए अगर हम अपने उस मन का गलत इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत है जो परमात्मा ने सिर्फ आपको और हमें दी है, वो बेचारे पशुओं को पक्षियों को नहीं दी, उनकी तो केवल नैसर्गिक इंस्टिंक्ट्स हैं, बस उतना मात्र वो कर सकते हैं। उनको एक बंधन है, यहां पर हम बंदी हैं, एक बंधन है। सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है, घर से तो बहुत ज्यादा अच्छा है और इतना अच्छा है कि मैंने अभी कहा कि मैंने अफ्रीका की वो जेल भी देखी, मैंने डासना की जेल भी देखी, मैंने इंदौर के पास कहा था मैं अभी देवास, वहां की जेल भी देखी, आगरा सेंट्रल जेल देखी, लखनऊ की देखी, खूब देखी। लेकिन मैंने आज पहली बार भोपाल की जेल देखी, मैंने आज तक इससे अच्छा कारागार नहीं देखा। मैं सोच नहीं सकता था कि कारागार ऐसा हो सकता है, मैं सोच नहीं सकता था कि कारागार में आपकी जो नैसर्गिक प्रतिभाएं हैं, आपके अंदर जो कुछ कर गुजरने की ताकत है, उसको साहित्य संगीत और सुर की भाषा दी जा सकती है, जिसके अंदर मन को कुछ का कुछ कर देने की ताकत है। जिस किसी ने भी यह काम किया, चाहे वो मिस्टर सेंगर हैं या इनके पूर्ववर्ती अधिकारी, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, हृदय से प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने उनके हाथ में जो बंदी दिए गए, जो मिट्टी उनके हाथ में दी गई, उसको में से एक सुंदर मूर्ति तलाशने की ईमानदार कोशिश की। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी सांस्कृतिक घराने में घुस आया हूं, यहां आकर के लगा कि मैं किसी सभा मंडप में एक सत्संग भवन में बैठा हूं। लेकिन इतना होते हुए भी क्या आप चाहते हैं कि आप जेल में रहें? क्या आप चाहते हैं कि जेल में रहें? क्यों? आप में से मेरा ख्याल कोई नहीं चाहता कि मैं जेल में रहूं, इसलिए नहीं चाहता कि यहां पर आपकी मौलिकता को आपके तरह से जीने का अधिकार सीमित कर दिया जाता। आपकी जो वो आजादी है कि आप चाहे तो पशु से बदतर बन जाएं और चाहे तो देवता से ऊंचा पद पालें, उस आजादी को सीमा में बांध दिया गया है। और जो मुक्त है, आत्मा क्या है? मुक्त है, चैतन्य है, चिरंतन है, शाश्वत है, स्वच्छंद है, वो कहां बंधना पसंद करेगी? तो आपको मैंने इसीलिए पुण्यात्मा कहा। लेकिन आप फिर भी भाग्यशाली हैं क्योंकि आप पशु नहीं है, आपको पता है कि इतने समय के बाद में हमें बाहर जाना है। हर एक को पता है ना कि कब बाहर जाना है,
या नहीं पता किसी को? हर एक को पता है, है? किसी को कितने समय की कारागार है, किसी को कितने समय की। तो आप अगर इस समय का उपयोग नहीं करते तो ना आप एक अच्छे इंसान हैं, ना आप अच्छे एक साधक हैं। टाइम इन हैंड इज बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन फॉर ह्यूमन बीइंग। आपके हाथ में जो समय दिया है उसने, परमेश्वर ने, खुदा ने, परवरदिगार ने, रब ने, गॉड ने, कुछ ही कह लो उसको, वो सबसे बड़ा एसेट है हमारे हाथ में। और उसका जिन्होंने इस्तेमाल किया सही सही, उनके नाम मैंने बताए कि वो योगेश्वर कृष्ण जेल की देन थे, वो गांधी जेल की देन थे, वो नेहरू जेल की देन थे, सुभाष जेल की देन थे, नेल्सन मंडेला जिनका नाम मैं ले रहा हूं वो जेल के देन थे। मैंने उस जगह देखी, उस रोबेन आइलैंड में, अफ्रीका में, जहां पर बैठ करके उन्होंने अपने देश की जीवन को प्लान किया। लेकिन क्या हम इतने अभागे हैं कि हम यहां कारागार में बैठ करके अपने परिवार के जीवन को भी प्लान नहीं कर सकते? प्यारे बंदी साथियों, मैं जब पढ़ता था तो मैंने जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां, आपने भी शायद पढ़ी होंगी, वो चिट्ठियां जो उन्होंने जेल में बैठ करके लिखी, वो पूरे दुनिया के बच्चों के लिए एक संदेश बन गया, लेटर टू चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। चिट्ठी उन्होंने लिखी थी अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए, तब वो गांधी नहीं थी, तब वो सिर्फ इंदिरा थी, इंदू, इंदू को चिट्ठियां लिखी। और जो चिट्ठियां इंदू को उन्होंने लिखी, वो एक राष्ट्र चिंतक ने, एक राष्ट्र के संवेदनशील प्रहरी ने अपने देश की भावी पीढ़ियों के लिए चिट्ठी लिखी। मैं पक्का विश्वास रखता हूं कि जेल में सब जितने बंदी होते हैं, सजा ले भुगत रहे होते हैं, वो सारे दोषी नहीं होते। मैं जानता हूं इस बात को। आप लोग में से अनेक वो लोग हैं जो पता नहीं किस किस के किए हुए अपराध का दोष यहां पर अपने मत्थे लेकर के जी रहे हैं। कहीं वकील की थोड़ी सी चूक से, कहीं होशियार न होने की वजह से, क्योंकि प्राय अपराधी तो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग बच निकलने का रास्ता भी जानते हैं और इनोसेंट निरीह लोगों को उलझाने का रास्ता भी जानते हैं, बहुत बार परिस्थितिवश। लेकिन इसको मैं अब भी आपको कहता हूं कि जेल के जीवन को अभिशाप मत समझ लेना, क्योंकि परमात्मा ईश्वर यत करोति शोभनम एव करोति। परमात्मा जो करता है वो बहुत बहुत अच्छा करता है। मैंने एक ऐसे बंदी से बात की जो जिस समय पुलिस ने उसे पकड़ा और वो जेल में आया, तो उस समय वो बहुत बुरा महसूस कर रहा था, बहुत बुरा महसूस कर रहा था। लेकिन जिस घड़ी उसे ये पता चला कि उसके कुछ क्षण बाद ही उसी जगह पर जहां से पुलिस ने उसे पकड़ा था, वहां पर कोई और आदमी आया और उसे कुछ लोगों ने गोली मार दी और वो मौके पर ही मर गया। किसी की रंजिश रही होगी, उसे योजना के हिसाब से पता चला कि इतने बजे वहां पर वो पहुंचेगा, लेकिन जो आदमी वहां पर था, ये समय यही बात पुलिस को भी पता चली, तो जो बेचारा भला आदमी वहां पर पहुंचा हुआ था वो तो पुलिस की पकड़ में आ गया, और दूसरा आदमी अपने निर्धारित समय पे पहुंचा, थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके प्रतिद्वंदियों ने उसको जान से मार दिया। तो वो बंदी भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि ईश्वर ने मुझे, मेरी प्राण रक्षा करनी थी इसलिए वहां से मुझको यहां भिजवा दिया, अगर थोड़ी देर और मैं वहां होता तो मैं दूसरी चीज का शिकार हो गया होता। तो इसलिए ये कसौटी नहीं है, और यही धारणा शासन की, यही धारणा बुद्धिजीवियों की, यही धारणा मनोवैज्ञानिकों की है कि आपका जो निर्मल स्वरूप है,
जो आपका सहज स्वरूप है, जो आपके अंदर आपकी मौलिकता है, उसे मरने ना दिया जाए, जिसकी वजह से सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि बंदी जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। हमारे कारागार दंड केंद्र नहीं है, बल्कि जो मानव ऊर्जा है हमारी, उस मानव ऊर्जा को राष्ट्र और समाज उपयोगी बनाने का प्रयास यहां पर होना चाहिए, और उस प्रयास को मैंने इस बंदी गृह में देखा है। आप लोग यहां ज्यादा जहां रहते हैं, आपको मेरे से भी ज्यादा पता होगा, मैं तो बस वहां से यहां तक ही आया हूं। लेकिन कुछ पारखी लोग ऐसे होते हैं जो बोरी में परखी लगा करके पूरी बोरी का नाश जान जाते हैं कि इसमें है, कैसी क्वालिटी का गेहूं है। परखी मारते हैं ना, परखी मार के देख लेते हैं, पूरी बोरी खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो इतने साल देखते देखते इतने तो परखी हमारे हाथ में भी आई गई है। अब यह है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। मैं तो बहुत छोटा सा साधक हूं, भले ही मुझे देश में विदेश में आज ईश्वरी कृपा से जब छोटे सी साधना पे इतनी पहचान मिल सकती है, तो भगवान कृष्ण जैसे योगेश्वर जिनके हम सब आराधक हैं, जब वो जेल से निकले हैं, तो आप जैसे जेल में से क्यों नहीं योगी होकर के निकल सकते। मैंने कहा कि जो हमारे हाथ में है वर्तमान में, उसका सदुपयोग अगर हम कर लेते हैं, तो ही ये कहा जा सकता है कि जो पूरे जीवन में नहीं होता वो क्षणों में हो जाया करता है। मैं बस एक छोटी सी घटना बताऊंगा और उसके बाद आपके काम की कुछ चीजें कि हमें, क्योंकि अक्सर क्या होता है, सबसे बुरी चीज जो आदमी को लगती है वो ये लगती है कि उसे मूर्ख समझ करके उसको उपदेश और प्रवचन दिया जाए। अरे सब लोग जानते हैं सच्चाई को, तो भाषण देते हैं तो आदमी को लगता है कि अरे भाई बस इसे बंद करो। हर आदमी चाहता है भाई मेरे काम की क्या चीज है, तुम मुझे वो दे दो, फालतू बात ना करो। तो मैंने कहा कि मैं एक छोटी सी घटना आपको दे करके, ताकि आपके लिए फंडा क्लियर हो जाए और आपको बंदी जीवन में सदुपयोग कैसे करना है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि आप अपने लिए उपयोगी बने, परिवार के लिए उपयोगी बने, तभी आप समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी बन सकते हैं। वरना आज बहुत समाज से भी घूम रहे हैं दुनिया में, निकम्मे, घर के लिए किसी काम के नहीं, कोई नौकरी नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, पता नहीं कहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं और कहते हैं जी समाज सेवी हैं। हमने भाई भी क्या काम करते हो, किस समाज सेवा करते हैं। मैंने कहा रोटी भी तो कहीं से खाता होगा, उस बारे में मौन है। तो इसलिए आपको मुझे अपने लिए उपयोगी बनना है, परिवार के लिए उपयोगी बनना है, समाज के लिए उपयोगी बनना है और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनना है। एक जमाना हुआ करता था साधकों, देखो मैंने तीन शब्द आपके लिए बोले अभी तक, पुण्यात्मा मैंने आपको कहा क्योंकि वो आपका मूल रूप है, मैंने बंदी भी कहा और बंदी भाई कहा। आप पता नहीं मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं नहीं, लेकिन मैं योग साधक हूं, मैं गफलत में नहीं बोलता हूं। बंदी कहा तो मैंने भाई भी साथ में जोड़ा है, क्योंकि तुम यहां बंदी हो, हर कोई बंदी है जो दुनिया में है। कोई प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है, कोई मोह के बंधन में बंधा हुआ है, कोई भोग के बंधन में बंधा हुआ है, कोई लोभ के बंधन में बंधा हुआ है, वो तो आजाद खुले घूम रहे तो भी बंदी हैं। आप तो सिर्फ तन से ही बंदी हो, आप बेस्ट बंदी हो, बाकी लोग वर्स्ट बंदी हैं। तो इसलिए मैंने बंदी भाई कहा, क्योंकि मैं भी बंदी हूं, मैं इनकी मोहब्बत में बंधा चला आया यहां बिना बात। और तीसरा शब्द मैंने आपको अब बोला कौन सा, साधक, वो आपका असली परिचय है। तो प्रिय साधकों, साधक किसे कहते हैं, जो साधना करता है। और साधना का मतलब क्या है, अपने आप को साध लेना, सीधी सी बात है,
साधना, साध और ना साधना, जलना है ना, अपने जल जाना, ऐसे ही साधना सद जाना। तो जो अपने आप को साधने के रास्ते पे चले, कुरान के रास्ते से चल ले, गीता के रास्ते से चल ले, बाइबल के रास्ते से चल ले, गुरु के उपदेश के रास्ते से चल ले, लेकिन साधे, तो साधना साधक हो जाएगा। और अगर वो अच्छी तरह साधना कर लेगा तो वो साधु हो जाएगा। साधु का मतलब जटा जूट झाड़धारी या सिर मुंडा हुआ या भगवे कपड़े पहने हुए, ये नहीं होता है। ये तो साधना के सोपान है। मैं भी एक छोटा साधक हूं, तो साधना के रास्ते में पड़ाव आ रहे हैं, है ना। एक समय था जब मेरे पास भी जीन्स पैंट होती थी, छूट गई। पजामा कुर्ता होता था, छूट गया, छोड़ा मैंने कुछ नहीं। और छोड़ने का अहंकार भी नहीं पालना चाहिए। छूटना किसे, छोड़ना असली वो है कि उसकी फिर याद भी ना आए तो अच्छा, तो छूटता चला जाए, है ना। रूप बदलते जाते हैं, जैसे जैसे बदलते जाएं। अब ये कुछ प्रयोग चल रहे हैं तो उसमें ये वस्त्र आ गया, लेकिन आप धोखा खा लोगे जिस दिन आप देखोगे मुझे कि मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ बैठा हूं। आप कहेंगे अरे हम तो सोच रहे थे बाबा जी हैं, है ना। धोखा खा जाओगे। धोखा नहीं खाना, साधक कभी धोखा नहीं खाता। तो इसलिए जब आप साधु हो जाओगे, साधु स्वभाव से संबंधित है, ये तो ड्रेसेस हैं, बदलती रहती हैं, है ना। और गलती यही हो रही है कि हम लोग ड्रेस से ही आदमी को पहचानते रहते हैं। अगर मैं ये कपड़े के बजाय सफ़ेद पजामा कुर्ता पहन लूँ तो हो सकता है मुझे नमस्ते करने वाले तीन ही लोग रह जाएं। लोग मुझे, मैं पक्का जानता हूँ, जब ये लोग पैर छू रहे थे, मैं जानता हूँ ये मुझे कोई नहीं पैर छू रहा है, मेरे कोई पैर नहीं छूता, ये कपड़े के छू रहे थे। और ये धोखा बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे मन को छू जाएं आप, तब बात बनेगी, तब स्पर्श होगा। और जब स्पर्श होगा तभी वो बात बनती है कि पारस पत्थर छू जाए तो कंचन बन जाता है। और ये बात भी बड़ी घटिया है, इससे कि आगे आगे की बात बननी होती है, क्योंकि पारस बड़ा होशियार होता है, बड़ा चालू होता है, है? पारस के संपर्क में जो आए वो कंचन बन जाएगा, सोना बन जाएगा, लेकिन इतना वो तेज है वो उसी को पारस नहीं बनाता। पारस लोहे को सोना तो बना देगा, लेकिन इतना होशियार है अभी वो साधु नहीं है। वो पारस को क्या बना, वो पत्थर लोहे को क्या बना देगा, सोना बना देगा, लेकिन पारस नहीं बनाएगा। लेकिन साधु पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप सम। संत में और पारस में बहुत अंतर है। वो तो सिर्फ लोहे को सोना बना सकता है और कुछ नहीं बना सकता, लेकिन जब हृदय मिल जाते हैं, वो साधु आपके पास आ जाता है, तो फिर वो उसको भी साधु ही बना देता है। चुंबक के पास आ गया तो वह चुंबक ही बन जाएगा थोड़ी देर बाद, ऐसे होना चाहिए। तो घटना क्या है, एक जमाने में पानी लेने के लिए पनिहारिन जाया करती थी पनघट पे। अब तो घर में टंकी आ गई तरह तरह से, आपके पास सब इंतजाम है। तो उस समय पनिहारिन जा रही थी पानी लेने के लिए, और क्योंकि जंगल में रहते थे, गांव छोटा सा, जंगल में जाना पनी माँ कुएं पर, तो पांच छह महिलाएं इकट्ठी होकर जाया करती थी पनिहारिन। उनका मॉर्निंग वॉक भी हो जाता था, एक्सरसाइज भी हो जाती थी, और काम भी हो जाता था, और मनोरंजन भी हो जाता था। तब टीवी थोड़े होते थे, तब ये टीवी वीसीडी क्या डीपी आजकल बन रहे हैं, ये सब नहीं होता था। मनोरंजन है ना, आपस में मिल ली, एक दूसरे के सुख दुख की सुन ली। तो वो जा रही थी पनिहारिन पांच छह, सिर पे टोकना, बगल में भी टोकना, इधर वाली बगल में भी टोकना है, और जा करके डोल हाथ में कि इससे भरेंगे और अपने टोकने भर करके ले आएंगे। तो बातें करते करते मनोरंजन में अटखेलियां करती जा रही थी, कब मेरे को कुएं पे पहुंच गई उन्हें पता नहीं चला। और क्या किया, बात करते करते ही, क्योंकि रोज का काम था, आप जो रोज का काम करते ना, आप ऑफिस जाते थे, अब तो कुछ लोग बंदी हो गए, आप खेत पे जाते थे, तो आप
कब मेरे को पहुंच जाते हैं तब गया है, बात बात में पता ही नहीं चला हम कब मेरे को पहुंच गए। ऐसा होता है ना कई बार जब मन लग जाता है, तो ऐसे ही वो एकदम पनिहारिन वहां पहुंच गई और हाथ से उनके रस्सी और डोल भी छोड़ दिया उन्होंने पानी निकालने के लिए, और एकदम खिसक गया पूरी रस्सी हाथ से, एकदम होश आया, ध्यान आया, अरे हम बातों में लगे हुए हैं, तो हाथ से पूरी रस्सी खिसक गई। तो जैसे ही होश आया तो रस्सी को एकदम पकड़ने की कोशिश करी, वरना सारी कुएं में डल गिर जाती, तो रस्सी की आखिरी दुम, आखिरी किनारा हाथ में आया। बड़ा जी में जी आया कि भाई ये तो पानी लेने की सारी योजना रह जाती। तो आखिरी जो रस्सी का छोर उन्होंने पकड़ा उसको धीरे धीरे करके खींच लिया, सारी रस्सी भी आ गई, डोल भी आ गया और डोल में पानी भी भरा हुआ था। तो वो एक क्षण जो आखिरी था, जो वर्तमान था, उसे अगर वो हाथ में न पकड़ पाते तो सब कुछ चला गया था, और उसी को सिर्फ ठीक से पकड़ लिया तो फिर सब कुछ लौट आया और सूद समेत लौट आया। इसलिए जितना समय यहां का बचा, और ऐसे ही जितना समय बंदी जीवन का बचा, एक तो कारागार वाला जीवन है और बाहर वाले लोग भी तो बंदी है ना, जितना समय बचा हम बंधन के जीवन में जीते। योगी का जीवन बंधन का जीवन नहीं होता, वो अनुशासन का जीवन होता। तो आपको ये जो बचा हुआ जीवन है, चाहे बंदी जीवन वाला है और चाहे बाहर वाला, उसको अनुशासन वाले जीवन में बदल देना है। मैंने कहा कि पहचान अगर जो भी होती है वो टेम्परेरी होती है। मेरा पक्का विश्वास है कि दुनिया की नजरों में आप गिर जाइए, भैया आपको लेंगे, मैंने अपराध भी नहीं किया था, जेल से काट के जाऊंगा, घर समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरे बीवी बच्चे परिवार के लोग क्या कहेंगे, ऐसी ऐसी बातें कहीं मन में आ रही होंगी और आती होंगी, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल बंदी नहीं है कि अपराध करना आपका शौक हो। वो बोध आपको परेशान करता होगा, लेकिन मैं इसको बल प्रदान करने के लिए कह रहा हूं साधकों कि आप दुनिया की नजरों में गिर जाओ, कोई चिंता नहीं है, अपने सत्कर्मों से उनकी नजरों में आप फिर से उठ जाओगे, क्योंकि हमेशा से तो हम नजर में गिरे हुए नहीं थे किसी की, कोई गलती हो गई या कहीं पुराना कोई कर्म हमारे सामने आ गया कि हमें इस दौर से गुजरना पड़ा, कोई चिंता नहीं है, पहले अच्छे थे नजरों में फिर बुरे हो गए, तो पक्का विश्वास है कि हम फिर से नजरों में लोगों की उठ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी नजर में गिर गए तो हम जीवन में कभी नहीं उठ सकते। तो इसलिए वी आर द बेस्ट जज ऑफ अवर सेल्फ, हम अपने सर्वोत्तम निर्णायक हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दुनिया की नजर में गिर जाओ, कोई चिंता नहीं है, आप जरूर जरूर दोबारा से उठ जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा कर्म न करना कि जिससे कहीं अपनी नजर में गिर जाओ, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आप नहीं उठ सकते। इसलिए वर्तमान को संभालेंगे। क्या करना है अब इस पे आ जाएं। टाइम इन हैंड इज बिगेस्ट एसेट, बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन। जीवन काल जो हमें दिया गया वो वरदान है, और उसमें अपने लिए कैसे उपयोगी बनेंगे उसका तरीका है कि योग करें। योग को कसरत खाली ना समझो, कसरत कर लो अच्छी बात है। जेल में बंदी थे फैजाबाद जेल में रामप्रसाद बिस्मिल, आइसोलेशन में रखा गया था उनको तन्हाई में, क्योंकि फांसी की सजा दी जानी थी, और वो सुबह के समय उठ करके उन्होंने संध्या की रोज करते थे, उसके बाद व्यायाम किया, दंड लगा रहे थे दंड बैठक, तो वहां पर जज वो आए
कारागार अधीक्षक और उन्होंने उनसे कहा कि बिस्मिल जी आज आपको, उन्होंने देखा कि अरे बिस्मिल तो एक्सरसाइज कर रहे हैं एकदम, जब नजर उठा के देखा क्योंकि सब लोग जानते थे ये बंदी रक्षक जो हैं, ये हमारे जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, ये आपके हर एक के स्वभाव से परिचित हैं, इसलिए आपके साथ वो क्रूर नहीं होते बल्कि आपके साथ वो सहृदयता का व्यवहार करते हैं, प्यार से बात करते हैं, वो जानते हैं कि आप भी ऐसे ही जैसे वो हैं, और कोई निर्दोष अगर फंसा हुआ है उसके लिए तो और ज्यादा प्यार उनका रहता है। तो ऐसे ही वो जानते थे कि देशभक्त हैं, ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें बंद कर दिया, तो उन्होंने सिर झुका करके कहा, लेकिन जैसे नजर उठाई तो देखा तो कसरत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिस्मिल जी आपको मालूम नहीं आज आपको फांसी दी जानी है, कि कितने बजे दी जानी है, कि 6 बजे सूर्योदय के साथ साथ फांसी दी जाएगी, कि तो क्या हो गया कि आप कसरत कर रहे हैं, कि हाँ अभी मेरी कसरत का समय है, मैं कसरत कर रहा हूं, जब फांसी का समय होगा फांसी पे चढ़ जाऊंगा। वर्तमान को संभाला उस आदमी और इतिहास पुरुष बन गए वो। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, समाज जिंदा रहेगा, देश जिंदा रहेगा, उनके इन उदाहरणों को भुलाया नहीं जा सकता। आप यहां से बच्चों के लिए कुछ लेके जाइए, परिवार के लिए लेकर के जाइए। जैसे देखो, जो लोग अपराध से रोटी कमाते होंगे, कल्पना करो कि जब यहां से वो बढ़िया म्यूजिशियन बन के जाएंगे तो वो संगीत से पैसा कमाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि हमारे पास जीने का रास्ता मिल गया, वो ट्यूशन पढ़ा करके पैसा कमाएंगे, वो खेती करके पैसा कमाएंगे, वो नृत्य नाच करके कमाएंगे, वो सिलाई करके कमाएंगे, सम्मान से कमाएंगे, और सम्मान की रोटी रूखी, अपमान के व्यंजनों से कहीं ज्यादा कीमती होती है। तो इसलिए योग में कुछ तो आप सीख लें, क्योंकि जिनको बाहर घूमने फिरने, दौड़ने भागने, व्यायामशाला जाने का आसानी है वो तो जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ इतना बड़ा कैंपस है, आपको भी यहाँ खूब घूमने फिरने को मिलता होगा, लेकिन फिर भी ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने सेल्स में रहना होता है, शेल्स में, अपने कोष में, तो वो लोग कैसे स्वस्थ रहें। तो कुछ तो स्वास्थ्य की चीज़ें सीख लीजिएगा, तन के तंदुरुस्ती की, ठीक है ना, तंदुरुस्ती, और दूसरी सीख लीजिए मन की दुरुस्ती की, जिसको हम ध्यान कहते हैं, जिसको हम जागृति कहते हैं, चेतना कहते हैं, उसकी चीजें सीखेंगे अपने आप को जगाने की। और तीसरी चीज मन को शांत करने की, यानी तनाव कुंठा और उस उपद्रवों से बाहर आ जाने की। योग में आसन भी होते हैं और इसके अलावा दर्शन भी होता है, यानी धर्म भी योग के भीतर ही है। सारे धर्म पथ जितने हैं वो हमको योगी बनने की प्रेरणा देते हैं। जो धर्म का पालन नहीं करता वो योगी नहीं हो सकता, वो कसरती तो हो सकता है, योगी नहीं हो सकता। ऐसे ही जो योगी नहीं बनता वो अधूरा धार्मिक रह जाता है, वो धार्मिक भी नहीं होता। देखो मेरे साथ जो आए हुए हैं, इनका नाम हनुमंत है, है? ये हनुमंत बहुत अच्छे योग साधक हैं, तो ये आपके लिए सिंहासन करके दिखाएंगे और फिर आप सब लोग करेंगे। मेरे ख्याल से सिंहासन की स्थिति में तो सभी आ जाओ। अब खाना कितने बजे खाया था, नाश्ता किया था ना सुबह, अभी तो खाना नहीं खाया, बहुत बढ़िया। इन्होंने ये जेल अधीक्षक जो हैं समझदार हैं, इन्होंने समय वो रखा, वरना मैं कह देता भाई खाना खाए हुए हैं तो अब मैं नहीं कराऊंगा, तो इन्होंने आपके लिए सब अनुकूल व्यवस्था की है। सिंहासन में बैठे सब लोग, वज्रासन में बैठ जाइए, ऐसे नमाज की तरह से। देखो योगी मैंने कहा ना, वो मुल्ला भी है, वो ईसाई भी है, वो सरदार जी भी है, हैं, वो सब कुछ है। नमाज वाली पोजीशन में आ जाइए, सिजदा के लिए जैसे बैठते हैं आप, हैं? मुस्लिमों ने योग को अपनाया, सब फायदा उठाएंगे, ईसाई उठाए करेंगे वो फायदा उठाएंगे, मैं करूंगा मैं फायदा उठाऊंगा। तो इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना, घुटने मुड़े हुए हैं, पंजे मिले हुए और एड़ियां खुली हुई, तो इस तरह से बैठ करके कमर को सीधा रख लेना। अब सिंहासन करने में क्या करना है कि घुटनों को चौड़ा कर लीजिए,
ऐसे ये, और हाथों को हनुमंत की तरह से जमीन में टिका लीजिए। अब हनुमंत बैठा हुआ कैसा लग रहा है? जैसे बैठा हुआ शेर होता है। आपने अभी कारागार के सामने बाहर ही आपने वो लगा रखा है अशोक की लाठ, है ना? तो वो हमारे जो अशोक स्तंभ है उसमें कितने शेर होते हैं बताओ भाई? अच्छा आज बताओ जल्दी, कितने शेर होते हैं? दिखते तो तीन है, तीन होते हैं कि चार? चौथा कहां है? ये बात है, चार शेर हैं, चौथा शेर क्योंकि पीछे की तरफ है, सामने से फोटो नहीं खींचती उसकी। तो ये शेर वाली स्थिति में बैठ जाना, और एक बार सिंहासन कैसे करना है समझ लो।